हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे जनरल साइंस ईवीएस, उसमें चैप्टर नंबर 12, द सन द मून एंड द स्टार्स। लर्निंग पॉइंट द सन द मून एंड द स्टार्स, ये तीनों पॉइंट के बारे में आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है द सन। द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन की राइज होती है सुबह, जब सन निकलता है तो कौन सी साइड से निकलता है, ईस्ट। अ न्यू डे ब्रेक्स, और जब ये ईस्ट से सनराइज निकलते हैं तो क्या वो ब्रेक करते हैं, न्यू डे, एक हम बोलते हैं इसको, न्यू डे है। एनिमल्स एंड प्लांट्स वेक अप, एनिमल्स जो होते हैं वो भी उठ जाते हैं, हम इंसान जो होते हैं वो भी उठ जाते हैं, एंड प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी एक ग्रो आ जाता है, जैसे वो भी एक खिल जाता है, जैसे हम उठ के एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना वैसे ही। एंड बर्ड्स ब्लूम इन टू फ्लावर्स। अब नेक्स्ट है द सन सीम्स टू मूव अक्रॉस द स्काई। सन सीम्स टू मूव अक्रॉस द स्काई एंड द सेट इन द वेस्ट एवरी इवनिंग एंड द डे एंड नाइट बिगनिंग। तो जो सन होता है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, और ईस्ट से निकलते निकलते वो आसमान में आ जाता है पूरा और सेट हो जाता है। फिर जैसे जैसे समय निकलता जाता है तब वो वेस्ट का साइड जाने लगता है, ईस्ट, और सामने आता है वेस्ट। तो वेस्ट जो होता है उसके साथ, उसके सामने वो चला जाता है, और जब ईस्ट में से सन वेस्ट में चला जाता है तब हम क्या कहते हैं, एवरी इवनिंग। और ये डे जो होता है वो ढलने लगता है, और डे का एंड हो जाता है, जैसे कि डे ईस्ट में से निकलता है तो मॉर्निंग वेकअप हो जाता है ना, न्यू डे हम कहते हैं जब ईस्ट में से निकलता है, और जब डे ढल जाता है तो डे एंड कहते हैं, क्या कहते हैं, डे एंड। और कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तो नाइट बिगनिंग। तो नाइट, तब जब सन चला जाता है तब नाइट शुरू हो जाती है। द सन इज बिगर दैन द अर्थ, जो ये सन है वो हमारा जो अर्थ है, हम किसके ऊपर रहते हैं, अर्थ के ऊपर। तो ये जो अर्थ है हमारा, हमारी जो पृथ्वी है वो उनसे भी बड़ा कौन है, सन है। तो सन हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है, बट इट इज़ वेरी फार ऑलवेज फ्रॉम अस। बट वो हमें छोटा क्यों दिखता है, क्योंकि हम उनसे बहुत ही दूर है, सो इट लुक्स वेरी स्मॉल, इसलिए हमें वो स्मॉल दिख रहा है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर, वो एकदम सा बड़ा सा बिग बॉल जैसा है और एकदम सा गर्म है, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता। इट इज़ वेरी हॉट, वो एकदम सा गर्म है, हमारे अर्थ के, अर्थ से भी कितना दूर है सन तो भी हमें इतनी गर्मी लगती है। तो सोचो कि हम उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जा सकते ना। इट गिव्स अस हीट, वो बहुत सा गर्म होता है। ही गिव्स अट हीट, हीट मतलब वो एकदम सी ज्वाला जैसा, गर्म गोला जैसा है। इट गिव्स अस लाइट, और वो बहुत सा प्रकाशित, जैसे मून नाइट में एकदम सा लाइट होता है ना, प्रकाश करता है ना, वैसा ही ये सन भी लाइट करता है। द मून, अब मून के बारे में हम जानेंगे। द मून इज स्मॉलर देन द सन, जो सन है उनसे ये मून छोटा सा है। द मून शाइनिंग ऑन नाइट, मून कब शाइन करता है, नाइट में। लाइक सन द मून इज ऑल्सो राउंड लाइक बॉल, और ये जो सन और मून है वो कैसा लगता है, एकदम सा गोल सा, बॉल जैसा। इट इज कॉल्ड फुल मून, उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं, जब हमें आकाश में ऐसा आधा दिखता है और एक जैसे जैसे दिन चले जाते तब पूरा सा मून देखते हैं हम, तो उसको फुल मून कहते हैं। एंड सम टाइम वी कैन सी हाफ ओवर द मून, एंड सम टाइम वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल। रोज जो ये होता है वो धीरे धीरे, पहले तो बड़ा सा फुल मून होता है, जैसे जैसे दिन चला जाता है वैसे वो नेक्स्ट डे आ जाता है, तब घटने लगता है मून, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हमें मून दिखता ही नहीं है।
इट इज कॉल्ड नो मून, उसको हम नो मून कहेंगे, जब नहीं दिखता है तब। आफ्टर नो मून वी सी न्यू मून, दैट इज लाइक अ बिलो, इट इज कॉल्ड क्रेस्केट, क्रेस्केट मून। एंड द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप्स ईच नाइट, द मून इज कॉल्ड नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये जो मून है वो नेचुरल सेटेलाइट है हमारी अर्थ का। तो आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं, तो पहला तो ये ब्लू वाला है वो नो मून है कि हमें दिखता ही नहीं। फिर सेकेंड नाइट आ जाएगी तो हमें आधा दिखने लगेगा, कुछ दिन चले जाएंगे उसके बाद ये आधा दिखने लगेगा, तो उसको हम कहेंगे क्रेस्केट मून। फिर कुछ दिन के बाद हमें सिर्फ आधा ही दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं हाफ मून। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा सा ये हमें मून दिखता है, तो उसको हम कहेंगे फुल मून। जैसे कि हम पूनम या पूर्णिमा कहते हैं ना, तब ये जो मून होता है वो पूरा सा दिखता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन जाते हैं तो फिर से ये इस साइड से आधा हो जाता है, फिर क्रेस्केट मून हो जाता है, फिर दिखने ही नहीं लगता है, नो मून हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले ये साइड से आधा दिखेगा, आधे ये दिखेंगे, फिर सर्कल हो जाएगा, फिर ये आधा दिखेगा, ये आधा दिखेगा, और फिर दिखने ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा मून है। तो अब हम मून के बारे में बात कर ली, सन के बारे में बात कर लिया, अब हम सीखेंगे स्टार्स। मून के साथ स्टार्स भी होते हैं ना काफ़ी सारे स्काई में, एंड देर आर मैनी मैनी स्टार्स इन द स्काई, काफ़ी सारे ये स्टार्स है वो स्काई में होते हैं, एंड वी कैन नॉट काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स अप्रेव अस डोंट ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट, एंड दे ट्विंकल इन द स्काई, ये जो स्टार्स हैं उनसे हम सिर्फ स्टार्स को ऐसे देख सकते हैं, बट जब मून नहीं होता है और स्टार होते हैं तो हम उनसे ज़्यादा प्रकाश हमारे अर्थ पे नहीं रहता है। एंड दे ट्विंकल इन द स्काई, वो जो स्टार्स है वो ट्विंकल स्काई ट्विंकल ट्विंकल करते रहते, यानी कि जो लाइट चालू बंद होती है ना, वैसे इसको हम स्टार्स जो ऐसे दिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्विंकल। एंड वी डू नॉट सी देम ड्यूरिंग द स्काई, और हम उसको स्काई में और इसीलिए हम नहीं देख सकते। तो अब हम देखेंगे वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक राइट वर्ड प्रिंटेड इन ब्लू। फर्स्ट है द सनराइज इन द ईस्ट एंड वेस्ट, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से, तो हम ईस्ट पे राइट करेंगे। व्हेन द सनराइज द डे बिगनिंग एंड एंड, सनराइज जब होता है तब बिगनिंग होता है या एंड होता है, यस बिगनिंग होता है। एंड द सन एंड मून गिव्स अस हीट, हीट किस में होती है, यस सन में। द मून सॉरी द सन एंड मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप ईच नाइट, नाइट में शेप्स किसके चेंज होते हैं, मून के। द मून एंड स्टार ट्विंकल इन द स्काई, मून में ट्विंकल स्काई होता है या स्टार्स में, यस स्टार्स में। फिर सेकेंड है क्वेश्चन हमारा, राइट टी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स वंस, ओके। द मून इज अ बिग बोल ऑफ फायर, जो मून होता है वो बड़ा सा आग का गोला है, तो वो गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ। एंड द सेकेंड है द मून इज स्मॉलर दैन द सन, ये जो मून है वो सन से छोटा है, तो यस वो राइट है, तो हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड है वी कैन काउंट ऑल द स्टार इन द स्काई, हम स्टार्स जो होते हैं स्काई में उसको काउंट कर सकते हैं, तो गलत है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे एफ। फोर्थ है स्टार्स गिव अस ब्राइट लाइट, स्टार्स जो है वो बड़ा सा एकदम से लाइट प्रकाश हमें देती है, तो किरणों गलत है, तो एफ लिखेंगे। फिफ्थ है द सन इज वेरी फेयर ऑलवेज फ्रॉम अस, यस राइट, वो सन हमारी अर्थ से बहुत ही दूर है, तो राइट है ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, मैच डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून,
with the name. Column A and column B. First है crescent, half moon and full moon. यहाँ पे moon के pictures दिए गए हैं. तो first है crescent moon. हमने देखा crescent moon कैसा होता है, एकदम सा half C जैसा होता है. तो ये आएगा. फिर है half moon. ये हुआ हमारा half moon और ये full moon है. तो यहाँ full moon लिखा है, वहाँ पे हमने match किया. तो जैसे मैंने match किया वैसे आपको भी करना है. फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, poem दिया हुआ है. तो चलो अब हम, ये बहुत सी पुरानी poem है और आपको आती भी होगी, आपको भी learn करनी है. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. है ना, अच्छी सी आपको आती ही होगी, आपको भी बोलना है. और go out in the night and see how the moon look and draw it in your scrapbook. तो ये आपका होमवर्क में है. आपको क्या करना है, आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी उस नाइट को आपको बाहर बालकनी या घर से या आपकी विंडो से देखना है कि आपको मून कैसा दिख रहा है. जैसे मून आपको दिख रहा है फुल, हाफ या क्रेस्केट मून दिख रहा है, वैसे आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. और आपको उसमें कलर फिल करना है. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हुआ. अब सेकंड है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कलर देम. आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके नेम लिखने हैं. ये है सन, तो हम लिखेंगे यहाँ सन, एस यू एन सन. ये है मून, एम डबल ओ एन मून. एंड दिस स्टार, एस टी ए आर एस, स्टार्स. ओके, तो ये जो सन मून एंड जो स्टार है उनमें आपको अच्छे से कलर फिल करने हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है. सारे ब्लैंक्स है वो आपको फिल करनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 देखेंगे.